हेलो दोस्त, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने कपड़े का कलर चेंज कैसे कर सकते हो और कुछ कपड़े में HDR कैसे इफेक्ट्स ला सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हो कितना HD फोटो एडिटिंग हुआ है और साथ में कलर भी चेंज हुआ है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे स्टेप बाई स्टेप। तो चलते हैं बिना देरी के वीडियो की तरफ। तो दोस्त, सबसे पहले आपको नॉर्मल फ़ोटो को स्नैपसीड एप्लीकेशन में ओपन करना है, ठीक है, जिसको एडिटिंग करना है जिस फ़ोटो को, इसे आपको स्नैपसीड एप्लीकेशन में ओपन कर लेना है। और ओपन करने के बाद आपको कुछ इस टाइप से आपको ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है, इस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। तो क्लिक कर लेते हैं, इससे क्या होता है कि ऑटोमेटिक एडजस्ट थोड़ा बहुत कर लेता है। तो यहाँ पर देख सकते हो एडजस्ट कर लिया है, इसके बाद डन कर देंगे। इसके बाद आपको टूल्स के बटन पर क्लिक करना होगा, नीचे के साइड आपको टूल्स लिखा होगा और यहाँ पे आपको ये जो सेलेक्टिव लिखा है इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो इसे पे क्लिक करके हम इसे मतलब ले लेंगे और ये जो प्लस होता है ये अपने कपड़े के कलर पे चलाएंगे और कुछ इसे छोड़ देंगे। और इसकी जो यहाँ पे सी है इसको भी बढ़ा लेंगे और यहाँ से मतलब अपने हिसाब से यहाँ पर देख सकते हो इस टाइप से आपको कुछ बढ़ा लेना है। इससे क्या होता है कि हमारे कपड़े पर मतलब चमक आता है, ठीक है। तो इस साइड भी हम बढ़ा लेते हैं, ठीक है, यहाँ से आप बढ़ा लीजिएगा, इसका सी बढ़ा लीजिएगा, एस बढ़ा लीजिएगा, इसका मतलब हार्डनेस को आपको यहाँ से बढ़ा लेना है, ठीक है, अपने कपड़े के हिसाब देख लेना है, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हो हम बढ़ा लेते हैं, चलिए। तो इतना होने के बाद आप देख सकते हो हमारे फ़ोटो मतलब कपड़े में HDR आप करेंगे। तो HDR करने के लिए इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से इसकी थोड़ा सा लिम्यूस को बढ़ा लेंगे, यहाँ पे देख सकते हो। तो इससे क्या होता है कि थोड़ा HD जैसा लुक आता है हमारे फ़ोटो में, ठीक है। तो स्नैपसीड का काम खत्म हो चुका है, यहाँ पे देख सकते हो बिफोर आफ्टर। इसके बाद आपको इसे ऑटोडेक्स एप्लीकेशन में ले चलना है, ठीक है। तो ऑटोडेक्स एप्लीकेशन में तो सबसे पहले आपको इस फोटो को शेयर करना है, ठीक है, शेयर वाला बटन पर क्लिक कर दीजिएगा और इसे ऑटोडेक्स एप्लीकेशन में ओपन करना है। बाकी का स्टेप उसी में हम बताएंगे, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पे ऑटोडेक्स एप्लीकेशन ओपन हो चुका है और जो भी एप्लीकेशन यूज करूँगा इसको हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद अब आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको कपड़े में चमक डालना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा, ठीक है, डबल टैप का बटन दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको प्लस वाला आइकन पर क्लिक कर देना है। तो इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक सफ़ेद लेमटी लेयर बन जाएगा, इस पर आपको टच करना है। इस पर टच करने के बाद आपको यहाँ पर नॉर्मल लिखा होगा, ठीक है। तो नॉर्मल पर आपको क्लिक करके और इसकी सेटिंग आपको मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो मल्टीप्लाई। तो इस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। तो इस पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा बैक आना है और यहाँ पर आपको कलर्स का ऑप्शन दिख रहा होगा, ठीक है। तो कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है और इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से रेड ले लेना है, ठीक है, रेड करना है अपने कपड़े को तो रेड ले लेंगे। और इसके बाद अब आपको यहाँ पे पेंसिल वाला आइकन पे क्लिक करके यहाँ से इस ब्रश को ले लेंगे, देख सकते हो कहाँ पे मतलब ये ब्रश है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे इस ब्रश को हमको ले लेना है, यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है, यही ब्रश लेंगे और इसकी सेटिंग कुछ देख लेना है आपको, यहाँ पर नीचे वाला को फुल कर देना है और साइज अपना से कर लीजिएगा। और इसके बाद अपने फ़ोटो को जूम करके अपने कपड़े पे कुछ इस टाइप से आपको ब्रश करना है। तो देख सकते हो गाइस यहाँ पर कपड़े का चेंज मतलब कलर चेंज हो रहा है। तो यहाँ से आपको बारीकी बारीकी से मतलब अपने कपड़े पे पूरा ब्रश कर लेना है, कलर कर लेना है, ठीक है। तो चलिए हम फटाफट कर देते हैं, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो हमने वीडियो को थोड़ा फास्ट कर दिया ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। और एक बात और गाइस, जो भी भाई चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अच्छा लगता होगा तो, ठीक है, इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हो आपको सीधा मतलब इस टाइप से आपको ब्रश कर लेना है पूरे कपड़े पे, ठीक है। तो यहाँ पे इधर भी कर लेते हैं, इस साइड भी कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस टाइप से आपको पूरे कपड़े पे मतलब कर लेना है ब्रश। तो चलिए फटाफट कर लेते हैं, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो जूम करके यहाँ पर अच्छे से करिएगा, ठीक है, ब्रश यहाँ पर। तो देख सकते हो गाइस यहाँ पर ब्रश हो चुका है हमारे फोटो पे। तो यहाँ पर देख सकते हो ब्रश होने के बाद अब आता है कि अपने फेस को स्मूथ एंड गोरा कैसे करें। तो इस पर हमें ऑलरेडी बहुत से सारे वीडियो बना रखा है, जाकर हमारे YouTube पे देख सकते हो, चाहे लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। तो सिंपल सा इस वाले ब्रश को लेकर आपको स्मूथ कर लेना है अपने फेस को, ठीक है। तो चलिए हम फटाफट स्मूथ कर लेते हैं, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो हमारे फोटो को स्मूथ कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। इस मतलब ये हम वीडियो नहीं दिखाएं कि स्मूथ कैसे करें, इस पर हम मतलब बनाएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है। इस पर ऑलरेडी हम कितने वीडियो बना चुके हैं, जाकर देख लीजिएगा। तो सिंपल सा इस फोटो को लाइट रूम ऐड करना है, ठीक है, लाइट रूम एप्लीकेशन में।
तो इसमें ऐड करने के बाद आपको एक प्रीसेट का लिंक दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। इसे डाउनलोडिंग करके इसे भी ऐड कर लीजिएगा लाइट रूम में, ठीक है, इस प्रीसेट का। तो इस सिंपल साइज से लाइट रूम ओपन में घुसना है, और इसके बाद आपको यहाँ पे देख सकते हो ये नीचे के साइड आपको यहाँ पे प्रीसेट का ऑप्शन दिख रहा होगा, ठीक है। इस प्रीसेट को आपको डाउनलोडिंग कर लेना है, और डाउनलोडिंग करने के बाद आपको लाइटरूम में ओपन करना है इसे, ठीक है। तो ओपन करने के बाद आप इसके थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, और थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कॉपी सेटिंग, ठीक है। तो इसकी सेटिंग आपको कॉपी कर लेना है, और बैक आएंगे और अपने फ़ोटो पे आएंगे, ठीक है। और अपने फ़ोटो पे आने के बाद आपको यहाँ पे फिर से वही काम करना है, थ्री डॉट पे क्लिक करना है, ठीक है, कोने के साइड पे। और कोने के साइड पे क्लिक करने के बाद आपको कॉपी सेटिंग के नीचे पेज सेटिंग दिख रहा होगा, ठीक है। इस पर आपको क्लिक करते ही सहित एक क्लिक में आपकी फ़ोटो एडिट हो जाएगी, देख सकते हो गाइस। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारी फ़ोटो में थोड़ा सा मतलब कपड़े में मतलब क्लियरिटी नहीं आ रही है, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले आपको कलर्स में जाना है, ठीक है। कलर्स में आने के बाद यहाँ आप मिक्स पे आएंगे, और मिक्स में आने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मिक्स, ठीक है। इस पे आने के बाद इसकी रेड वाला मतलब कम कर लेंगे यहाँ से, ठीक है, और थोड़ा सा इधर भी मतलब एडजस्ट कर लीजिएगा अपने कपड़े के हिसाब, देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम थोड़ा सा कम बेस कर लेते हैं, और फोटो में काफ़ी मतलब लाइट नहीं है, तो लाइट दे देंगे फ़ोटो में थोड़ा सा। यहाँ पर लाइट लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करके इसमें थोड़ा लाइट बढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो लाइट बढ़ा लेंगे, और इसकी शैडो देख लेंगे गाइस, इसकी शैडो हम कम मतलब हटा लेंगे, कुछ बढ़ा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारी फ़ोटो एडिट हो चुकी है कुछ इस टाइप से, देख सकते हो गाइस। तो बिफ़ोर एंड आफ्टर देख सकते हो, तो यहाँ पे हमारी फ़ोटो एकदम ओसम एडिटिंग हो चुकी है, कपड़े में देख सकते हो गाइस कितना चमक आ चुका है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा हो, अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करिएगा ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय।